वाहन चालक नहीं मान रहे हैं, ऐसे में क्या कार्रवाई की जा सकती है इन लोगों के खिलाफ? कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं, इनको सख्ती से समझा रहे हैं। सख्ती हमने नहीं दिखाई, ऐसी सख्ती भी दिखा रहे हैं, और कुछ अगर नहीं होगा तो कुछ एफआईआर भी कराएंगे बने किए। अभी तक किसी के खिलाफ ऐसे हुई है क्या एक-आध एफआईआर? अभी तो हमने पिछले अभी 10-11 घंटा पहले आया था, एक ऑटो वाले को हमने पड़ाव खाने भिजवाया था जी। और अभी एकदम पब्लिक को जो बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन करेगा, नहीं मानेगा तो एफआईआर भी कराएंगे उसका जी सर। हमारा मतलब उद्देश्य है लोगों को समझाने है, उनको मतलब उनमें से अभी परेशानी में डालना नहीं है। जब तक हमारी बात मानेंगे तो हम समझा इससे काम चलेंगे। थैंक यू सर। बच्चों को बैठ के सत्यनाथ तुम्हारा बात भी चल पर बिल्कुल नहीं भैया, ऐसे बेटा हमारे ठीक है, इतना घमंड करेगा तो कोई नहीं, कोई बैंक होता बेटा चिपका रहेगा रोड के ऊपर तो आटा नहीं मिल रहा, आटा ढूंढती फिर तुम दे दो ला किलो दो किलो आटा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सारी राशन की दुकान खुल रही है, दूध की दुकान खुल रही है, दवा की दुकान सब कुछ मिलेगा 9 बजे तक। ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि ये वायरस एक से दूसरे में फैल रहा है। इटली में जानते हो तुम, इतना कट्ठे हो रहे तुम्हारे से लग जाए किसी के क्या पता। चलो चलो जाओ, बात तो इसने सही कहा, 50 जने फिर रहे तो तुम्हारी बात सही कह रहा है भाई, क्या पता तुम्हारे यो है कट्ठे के वायरस। कोई भी अपने घरों के बाहर ना निकले, और कोतवाली में मिलोनीगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया है, जो भी घर के बाहर पाए जाते हैं निकलते हैं देखते ही गोली मार दी जाएगी। संक्रमित लोग हैं वो पता है कहीं किस तरह का आइसोलेशन इनको रखा जा रहा है, जिला प्रशासन द्वारा किस तरह के एहतियात? जो ब्लड सैंपल्स भेजे गए थे टेस्ट के लिए, उसमें कल देर रात हमें जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उसमें से 5 केसेस पॉजिटिव हैं, 4 उसमें से इंदौर के रहवासी हैं और 1 हैं उज्जैन के हैं। अभी 5 की कंडीशन हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा है। एज ऑफ नाउ 5 लोगों की कंडीशन स्टेबल है, अभी हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग करा रहे हैं कि वो इमीडिएटली किस किस के कॉन्टैक्ट में आए थे, और फिर हमारे आगे की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी। सर इंदौर में तंत्रधारक से जो मान लागू है क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बावजूद उसके लोग अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं? जो 144 धारा का हम लोगों ने लागू जो किया था, हमारे सुबह से हमारे राजस्व अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी जॉइंटली निरीक्षण कर रहे हैं, और हम लोगों से हिदायत दी है कि यदि कोई बिना अनुमति के या जो आवश्यक सेवाओं को हमने एग्जम्पशन दिया है उसके अतिरिक्त यदि कोई अगर सड़कों पर घूमता पाएगा तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। विगत 2-3 दिनों में जिन लोगों ने उल्लंघन किया है हमने उनके अगेंस्ट में FIR भी दर्ज कराई है और उनके वाहन के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। इसके बाद भी यदि लोग इसको उल्लंघन करेंगे तो आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर कर्फ्यू की कोई अभी शासन जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
ये डिग्गियां उसके बाद फेंक देनी है, ठीक है, कल को शाम को और ला के दूंगा। फिर गड्डी पड़ी है जो आता हो सीधे करो, आप मर लो इसको अच्छी तरह, मर लो हाथों पे अच्छे से मर लो, लो उत्थे भैया उपर नीचे बैठ जा आराम से, कैसे खाएगा नौकरी मार दे, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बैठ जा, ऐसे बैठ, तू बैठ जा, ऐसे बैठ जा, बैठ जा, ऐसे बैठ, हां ऐसे बैठ, बात मार, शाम को भी यही होते हो तुम लोग, तो मैं यही आऊंगा शाम को भी, नहीं टाइम मिला तो इस लड़के को भेजूंगा मैं, तुम्हारा खाना भेज दूंगा, यही खा लेना, ठीक है, तुम्हें दिक्कत आ रही होगी खाना कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, चलो फिर मैं, ओके। हम लोग जो लॉकडाउन है, शटडाउन है, उसको लगातार जारी रखेंगे, जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं, राज्य सरकार के निर्देश हैं, उनका पालन हमारी पूरी टीमें कराएंगी, और जितने भी दैनिक आपूर्ति की वस्तुएं हैं, दूध, किराना, मेडिसिन और पेट्रोल पंप, सब्जियां, इसके अलावा और भी लगता है कुछ आइटम एसेंशियल होगी तो उसको हम देख के ओपन कर रहे हैं, वो सब खुली रहेंगी, और इन वस्तुओं को लेके आने वाली जो गाड़ियां हैं जिनमें ये सामान आ रहा है, वो चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, उनको भी इसी प्रकार से कहीं असुविधा नहीं होगी, इसके लिए भी समस्त थाना प्रभारियों को, समस्त ट्रैफिक इंचार्ज को बता दिया गया है। आपके माध्यम से जनता से अपील है, कृपया करके स्वयं आगे आए, स्वयं ही सोशल डिस्टेंसिंग करें, दूरी बना के रखें, और जो भी अगर किराना लेने जा रहे हैं तो कम से कम 3 फीट की दूरी रखें, कहीं पर झुंड ना बनाएं, आप कहीं जाना पड़ता है तो आवश्यक रूप से प्रयास करें कि एक व्यक्ति 2 व्हीलर पर जाए और 4 व्हीलर में 2 लोग जाएं, इससे कि हम सब लोग मिलकर कोरोना से मुकाबला कर पाए। इमरजेंसी के नाम पर जनता बाहर निकली तो थाने से क्या प्रोसेस है, किस तरह से निकल सकते हैं? किसी को ऐसा नहीं कहा गया है, अगर किसी के यहाँ कोई चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है, कोई पेशेंट है घर में, उसको आप दिखाने जा रहे हैं तो उसके पेपर्स रख के जाइए, अनावश्यक भ्रमण करके, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी करके ऐसा मत कीजिए कि आप लोग गंभीरता का परिचय दे रहे हैं, आप भी जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, यह आपके माध्यम से हम अपील सबसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद की आईसीयू की डायरेक्टर, आपसे इस कोरोना वायरस के बारे में कुछ चंद बातें और शेयर करना चाहती हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें कोरोना वायरस को स्टेज 2 में ही रोक लेना है, हम नहीं चाहते कोरोना वायरस स्टेज 3 में किसी भी प्रकार जाए, तो मैं आपको कुछ चंद बातें बताती हूं आज फोमाइट्स के बारे में। अब हम घर में आइसोलेट हो गए हैं और हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें फोमाइट्स का ख्याल रखना है। अब फोमाइट्स क्या चीज होती है? फोमाइट्स वो वस्तु होती है जो कि जिस पर कि वायरस अटैच हो जाता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, न्यूज़पेपर, हमारे घर में रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है, बॉय हमें न्यूज़पेपर फेंक देता है और हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट ये न्यूज़पेपर में वायरस अटैच हो सकता है, सो न्यूज़पेपर विल एक्ट एज अ फोमाइट। इसके अलावा दूसरी चीजें क्या है, जैसे मिल्क पैकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी हम मिल्क पैकेट्स ले रहे हैं तो मिल्क पैकेट में भी एक फोमाइट की तरह एक्ट कर सकता है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज फोमाइट्स, हमें फोमाइट्स से दूर रहना है, हमें अपने घर में फोमाइट्स की एंट्री नहीं करनी है। सो ये तो है प्रॉब्लम, पर इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन है? यस, जैसे मिल्क पैकेट्स हैं तो आप उनको रनिंग वाटर में डिटर्जेंट के साथ वॉश कर सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर से कुछ और सामान आपने मंगाया है तो अगर वो सामान खराब होने वाला नहीं है तो उसको कार्टन को वहीं छोड़ दीजिए। सो एटलीस्ट ऐसा करने से 12 से 24 घंटे बाद वायरस खुद ही उसमें मर जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चंद और बातें हैं, मैं अभी भी देख रही हूँ लोग बाहर घूम रहे हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम 15 दिन के लिए रोक सकते हैं, हमें ये सब चीजें रोकनी होंगी। अगर हम ये नहीं रोकेंगे तो हम एट रिस्क हैं,
और अगर आप बाहर जा ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एसेंशियल काम है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा और आपको जाना ही है, तो सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो घर आइए, सबसे पहले आप किसी भी डोर नॉब, किसी भी हैंडल को मत छूइए। घर आके सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज करिए, कपड़ों को वॉश करिए, नहाइए। यू नो, आप देख रहे हैं मैंने सर पे कैप भी डाली है, बिकॉज मैं अपने हेड को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा हेड पे जो मेरे हेयर है वो एक फोमाइट के जैसे एक्ट करे। सो अगर आप बाहर गए हैं तो आपको कंप्लीट पूरा नहाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने जो आपके जो लड़के बाहर जा रहे हैं या आपके सर्वेंट्स हैं, उन पर भी आपको पूरा ख्याल रखना है। सो ये सब चीजों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, अवॉइड फोमाइट्स। फोमाइट्स आर द थिंग्स नाउ विच यू हैव टू टेक केयर। घर पे रहते हुए हमें फोमाइट्स से दूर रहना है। नमस्कार। ऑनरेबल पीएम साहब ने जनता से अनुरोध किया है, सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र इस महामारी से बच के निकले, हम इस युद्ध को जीत पाएं। आप लोग घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अगर आपको जरूरत के सामान लेने के लिए जाना है, दूध लेने जाना है, फल लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, दवा लेने जाते हैं, अकेले जाइए, अकेले जाइए, एक मीटर की दूरी बना के खड़े होइए, चुपचाप सामान लीजिए और वापस घर जाइए। तफरी लेने के लिए क्यों घूमने निकल रहे हैं? अगर तफरी लेने के लिए निकलेंगे तो फिर पुलिस को बड़ा बल प्रयोग करना पड़ेगा, पुलिस को कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। कोई सीमा तय नहीं है। आप देखें, अगर 24 मार्च 2020 का होम सेक्रेटरी साहब का अगर आप विशेष निर्देश पढ़ेंगे तो कुछ उसमें ये चीजें हैं जो एक्सेप्शन है, खुली रखने की बात कही गई है। ये दवा, ये फलों की दुकान है, सब्जी है, मिल्क है, राशन है, मेडिसिन है, हॉस्पिटल्स है, एक्सेप्शन में लिए गए हैं, ये खुले रहेंगे। अब देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां, मान लीजिए खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, किसी के यहाँ कोई गमी हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो उस प्रोसेशन में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी भी मेरे को खबर मिली कि माधवगंज में कोई एक डांस स्कूल चला रहा है, वहां पे 20 लोग इकट्ठे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, बाहर से लोग आए हुए आके डांस सीख रहे हैं। दिस इज नॉट डन। ये स्पष्ट निर्देश है कि आप घर से नहीं निकलना है। आप कैसे गए डांस सीखने? वहां पे कार्रवाई करनी पड़ेगी हमें। अब घर के अंदर रहिए, 21 दिन की बात है। अब सेल्फ डिसिप्लिन इस्तेमाल करिए, लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, तभी आप निकलें घर से बाहर जब आपको इन 4-5 चीजों की जरूरत हो। खाने राशन लेना है आपको, फल लेना है, दूध लेना है, सब्जी लेना है, और वहां भी आप जाकर के एक मीटर की दूरी पर खड़े होइए, चुपचाप इंतजार करिए अपने टर्न आने का, और ली करके चुपचाप वापस घर जाइए, चुपचाप घर जाइए, और 21 दिन इस चेन को ब्रेक करिए ताकि ये वायरस फैले नहीं, नहीं तो ये बहुत बड़ा दिक्कत पैदा कर देगा। तो मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और ये जो बहुत बेसिक जरूरतें हैं आपको खाने की, फल की, सब्जी की, मेडिसिन की, उसे लेने के लिए ही निकलें, और लेने के बाद तत्काल वापस घर चले जाएं। जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, जो स्ट्रीट ड्वेलर्स हैं, जिनका कोई घर नहीं है, उनके लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। पूरे ग्वालियर शहर को कलेक्टर ग्वालियर टोटल 25 जोन में बांट रहे हैं। 25 जोन में, ये वही जोन है जो नगर निगम के जोन एरिया है, और हर जोन का इंचार्ज एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बनाया जा रहा है, जो इंसिडेंट कमांडर कहलाएगा। उसके साथ पूरी टीम होगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, पुलिस की, हेल्थ वर्कर्स की, नगर निगम कर्मचारी की, और वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जोन में, अपने एरिया में लॉकडाउन के जो प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करें, या लोगों को कोई नीड है कि उनको कोई सप्लाई नहीं मिल रही उसको इंश्योर करें, उनके इलाके में कोई गरीब है, दिहाड़ी मजदूर है, कोई डेस्टिट्यूट है, उसको खाना उपलब्ध कराना, या कहीं से कोई मेडिकल इमरजेंसी की बात आ रही है उसका जाकर के चेकअप कराना, ये सारा देखना उस जो इंसिडेंट कमांडर जोन का, उसकी जिम्मेदारी होगी। आज से यह व्यवस्था लागू हो रही है।